नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था और इसी के साथ आज हम आगे कुछ शुरुआत करते हुए आज जो पढ़ेंगे वह है फिरोज शाह तुगलक। तो जो फिरोज शाह तुगलक है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे आज। फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल रहा है 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की ठट्टा में मृत्यु होने के बाद 1351 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। और ये जो फिरोज शाह तुगलक था वह ग्यासुद्दीन तुगलक के भाई रज्जब का पुत्र था। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और यह आगे चलकर शासक बना था। और रज्जब का विवाह जो हुआ था वह एक राजपूत राजा रणमल की पुत्री के साथ हुआ था और उसी की इस प्रकार जो फिरोज है वो हिंदू माता से उत्पन्न प्रथम मुस्लिम है। तो आइए इन पॉइंट्स को लिखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की ठट्टा में 1351 ईस्वी में मृत्यु होने के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया ये। सेकंड पॉइंट है फिरोज शाह गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक के भाई रज्जव का पुत्र था। और जो रज्जब था इसने एक हिंदू शासक राजा रणमल की पुत्री से विवाह किया था और इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक था। तो रज्जब का विवाह हिंदू राजकुमारी से हुआ इस प्रकार फिरोज शाह हिंदू माता से उत्पन्न से उत्पन्न प्रथम मुस्लिम
सा हाँ, तो इन पॉइंट्स को आप लोग अच्छे प्रकार नोट करेंगे। इसे अकबर भी कहा गया है, तो इन पॉइंट्स को भी लिखेंगे। विद्वानों द्वारा नाम है सुल्तान, पॉइंट सेकेंड। सल्तनत काल का अकबर, तो इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा गया है। साथ ही साथ वंशवाद प्रथा का प्रारंभ इसी के द्वारा किया गया था। तो वंशवाद प्रथा का प्रारंभ प्रथा का प्रारंभ इसके द्वारा किया गया, और इसने चार प्रकार के करों को लगाया था जो इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत थे। तो वह थे खराज, खम्स, जकात और जजिया। तो इसके द्वारा चार करों को लगाया गया। इसके द्वारा चार करों को लगाया गया। ये नंबर एक खम्स, दूसरा जकात, जजिया। जकात, जजिया, खम्स और क्या है, तो देखेंगे चौथा है खराज। तो ये चार कर इसके द्वारा लगाए गए थे, और जजिया इससे इसके शासनकाल से पहले ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था, परंतु इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इस पॉइंट को भी लिखेंगे, ब्राह्मणों पर भी लगाया, ब्राह्मणों पर भी लगाया। तो ये पॉइंट नोट करेंगे। दीवाने खैरात एक दान विभाग था और दारुल शिफा एक दवा खाना था। तो इसे भी लिखेंगे, इसने दीवान एक खैरा एक खैरा तथा दारुल शिफा। ये जो दारुल शिफा है एक मुफ्त अस्पताल है, दारुल शिफा नामक विभागों की स्थापना की, नामक
व्यवहार बनाए की स्थापना की और सर्वाधिक नहरों के एकीकरण का श्रेय शाह तुगलक को ही आता है, तो सर्वाधिक नहरीकरण का श्रेय रोज चाह तुगलक को जाता शाह तुगलक को जाता है। इन पॉइंट्स को लिखेंगे। और फिरोज शाह तुगलक ही वह पहला सुल्तान था जिसने शाही नहरों से सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग किया। शाही नहरें जो थी उससे अभी तक सिंचाई नहीं की जाती थी, लेकिन उसके द्वारा शाही नहरों से भी सिंचाई का पानी प्रयोग में लिया गया था। और उसने ख्वाजा हिसामुद्दीन को राष्ट्रीय आय के आकलन का कार्य भी सौंपा। तो इस पॉइंट्स को भी नोट करेंगे। शाही नहरों का प्रयोग सिंचाई के लिए किया गया। शाही नहरों का प्रयोग सिंचाई के लिए इसके समय में ही शाही नहरों का प्रयोग सिंचाई के लिए किया गया। और फिरोज ने कर्मचारियों तथा सैनिकों की सेवा के लिए जो नगद वेतन देता इससे पहले दिया जाता था उसे ना देकर जागीर प्रदान करने की प्रणाली लागू की थी। उसने चेहरा दाग था इससे पहले जो लगी थी चेहरा जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाई गई थी होलिया तथा दाग प्रथा उसे भी बंद किया था। तो उस पॉइंट को भी देख लिखेंगे। चेरा और दाग प्रथा को बंद किया। प्रथा को बंद किया। साथ ही साथ सैनिकों को नगद वेतन प्रणाली को नगद वेतन प्रणाली के स्थान पर जागीर प्रदान की। तो इसने सैनिकों के लिए नगद वेतन न देकर जागीर देना प्रारंभ की। और फिरोज शाह तुगलक ने ही अद्धा जो तावे का सिक्का है और विक जो चांदी का सिक्का है उसे चलवाया था। तो इसके द्वारा चलाई गई मुद्रा मुद्रा अद्धा विक और संसगानी। इसका तो पता नहीं है ये किस प्रकार का सिक्का था। ये चांद तावे का और ये चांदी का सिक्का था।
ये दोनों तावे और चांदी के थे, तो इन पॉइंट्स को नोट करेंगे। इसने जौनपुर शहर को बसाया था, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने अपने भाई की याद में जौनपुर शहर बसाया, इसीलिए इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, क्योंकि इसने भवन निर्माण पद्धति का बहुत ही अधिक जोर दिया था। भवन निर्माण पद्धति के लिए इसने बहुत अधिक जोर दिया, तो इसके द्वारा इसने फिरोजाबाद फिरोजपुर हिसार फिरोजा फिरोजा तथा जौनपुर किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। जौनपुर आदि शहरों को बसाया। और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो था उसे पूरी की पूर्ण किया। इसी के साथ साथ ने निजामुद्दीन औलिया जहांपनाह की जो समाधि थी उनका पुनरुद्धार किया और शमसी तालाब का भी पुनरुद्धार किया। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट कार्य है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य। कुतुब मीनार का पांचवी मंजिल जो है इसी के द्वारा बनवाई गई, पांचवी मंजिल तक निर्माण का कार्य। और साथ ही साथ जहां निजामुद्दीन औलिया औलिया तथा की समाधि तथा शमसी तालाब पॉइंट्स को आप लोग लिखेंगे। इसके आगे कुछ पॉइंट्स और हैं जिन्हें हम पढ़ते चलेंगे साथ ही साथ। अशोक के पुत्र मेरठ स्तंभ को दिल्ली मंगवाया। स्तंभ लेखों को दिल्ली मंगवाया। टोपरा और मेरठ में जो स्तंभ लेख थे उन्हें इसने दिल्ली मंगवाकर वहां स्थापित कराया था। और फिरोज के जो दरबार में कभी इतिहासकार थे जैसे बर्नी और अफीफ, इन्हें संरक्षण प्राप्त था। बर्नी ने जो है वो फतवा एज जहादारी तथा तारीखे फिरोजशाही की रचना की थी, तो इसे लिखेंगे। इसके दरबार में बर्नी और अफीफ को बर्नी
खफीफ जैसे इतिहासकारों को संरक्षण प्राप्त संरक्षण प्राप्त था। और जो बनी है इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक फतवा ए जहादारी व तारीखे रोजशाही है। तो बरनी और उसकी पुस्तक फतवा जहादारी और तारीखे फिरोजशाही। फिरोजशाही ये पॉइंट्स हैं, इन्हें आप लोग लिखते चलेंगे। आत्मकथा भी लिखी थी जिसे फतवात ए फिरोजशाही कहा गया है। तो इसके द्वारा लिखित आत्मकथा इसके अर्थात फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखित आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखित आत्मकथा तो इसके द्वारा लिखित जो आत्मकथा है वो है फतवात ए फिरोजशाही। फतवात ए फिरोजशाही और इसने दासों को अलग कर उनके लिए एक विवाह विभाग बनाया था जिसे दीवाने बंदगान कहा गया। तो दासों के लिए पृथक विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना दासों के लिए, इसे दासों से बहुत प्यार था इसीलिए इसने दासों के लिए दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की। स्थापना की और इसके पश्चात देखिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो तुगलक वंश था उसमें नासिरुद्दीन महमूद ही तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। तो देखिए नासिरुद्दीन महमूद इस वंश का अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद इस वंश का अंतिम सुल्तान। इन पॉइंट्स को आप लोग नोट करें और उम्मीद है आप लोगों को ये पॉइंट्स बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। और कल की क्लास में हम कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।